Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field, enhance your knowledge day by day. And that tutorial is related with the continuity of series number 4 for the portable computers part 2 regarding the origin of the computers. So in the previous tutorial we discussed about the origin with the span years, that is from the 1991 to 2000, and in this tutorial we discuss about the next onwards year till 2000. And who don't see the previous tutorial, the link will be available in the description box. You can check it out and enhance your knowledge. Now we will learn to the next year origin from 2001 to 2010. And the previous tutorial we discussed about the series of the 1991 to till 2000, so you can check it out. And in 2001 Dell released the series, that series name is the Precision M40, that is the model series of the notebook computer, and it's very valuable on that time. Isme sare functions, device drivers, CD, compact, floppy disk, sab kuch available. इन 2002 में टेबलेट पीसी भी निकल गए थे, रिलीज़ हो गए थे, और उसको निकाला था कॉम्पैक्ट कंपनी ने, तोशिबा ने, पैनासोनिक ने, और बहुत सारे और वेरिएंट्स ने भी निकाला था, बट जो मेजर रिलीज सीरीज थी हमारी वो थी फित्सुकी पी सीरीज, जो मॉडर्न नोटबुक उन्होंने निकाली थी. एंड आफ्टर दैट 2003 में तोशिबा कंपनी ने अपनी एक सीरीज़ रिलीज़ की, पोर्टेज M100 सीरीज़, जिसमें कि उन्होंने थिन डिवाइस ड्राइवर्स यूज़ किए, कॉम्पैक्ट डिस्क बहुत थिन थी, एंड मेजर पॉइंट की उन्होंने उस सीरीज़ में वाईफाई एक्सेस पॉइंट भी दिया, और उनकी सेल उस ईयर में 20 मिलियन यूज़र्स रही. एंड इन 2004 डेल कंपनी रिलीज द सीरीज डेल इंस्पायर XPS 2004, एंड दैट इज़ द नोटबुक कंप्यूटर, एज वेल एज डेल कंपनी रिलीज द गेमिंग लैपटॉप इन द सेम सीरीज, जिसमें कि आप वर्किंग, अपनी प्रोफेशनल वर्किंग भी कर सकते थे. वो सीरीज़ भी निकाली उन्होंने इंस्पायरन में, और साथ में एक ऐसी कंसोल सीरीज़ भी निकाली जिसमें गेम्स, जो गेमिंग कंसोल के मैटर पे काम करते हैं या खेलते हैं बहुत सारी गेम्स, उनके लिए गेमिंग लैपटॉप अलग से सीरीज़ निकाली थी. एंड इन 2005 लेनोवो कंपनी परचेज द थिंक पैड सीरीज फ्रॉम द IBM कंपनी, एंड दैट पर्टिकुलर सीरीज सेल इन दैट ईयर टू द ऑल वर्ल्ड वाइड 22.6 मिलियन यूनिट राउंड अबाउट. एंड इन 2006 एप्पल कंपनी रिलीज द मैकबुक विद द इंटेल कोर डुअल प्रोसेसर. बिफोर दैट डेल कंपनी एंड एप्पल कंपनी यूज द पेंटियम प्रोसेसर्स, बट विद दैट ईयर 2006 एप्पल यूज द इंटेल कोर डुअल प्रोसेसर फ्रॉम 2006. एंड इन 2007 तोशिबा कंपनी रिलीज इट्स न्यू सीरीज, दैट सीरीज नेम इज द सैटेलाइट A25 सीरीज विद द 15.4 इंच वाइड स्क्रीन डिस्प्ले विद द गुड कलर कॉम्बिनेशन डिस्प्ले, एंड यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ द कोर टू डुओ प्रोसेसर. एंड ऑल्सो डेल, इवन कॉम्पैक्ट कंपनी ऑल्सो रिलीज देयर लैपटॉप्स. एंड इन 2008 सो मैनी कंपनीज लैपटॉप वॉज रिलीज, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर इज द एडवेंट 4211 एंड एसर कंपनी सीरीज एस्पायर 1A110A एंड तोशिबा कंपनी सीरीज L300-1-3S. एंड अगेन द सीरीज पॉपुलरिटी ऑफ द तोशिबा इज U400-145-T2390 एंड द डेल 1525-T5750 सीरीज. And that all series was released in the 2008, and these are the very popular series amongst them all other companies. And in 2009, Dell company released the new series Dell 15 with the gaming console and the notebook computer, both
released with the hi-fi features, with wi-fi connections, with wi-fi access points. And in 2010, Lenovo company released the updated version of G555 with the 16x9 inch screen. जो previous version था उसमें उनकी screen 16x10 थी and वो एक line version था G555 का जिसमें कुछ चीज़ों का issue रह गया था, इसलिए उन्होंने updated version जो है वो February 2010 में निकाल दिया था, जो कि फिर बहुत popular भी हुआ. एंड इसके साथ ही जो हमने स्पान पढ़ना था 2001 to 2010 वो कंप्लीट हो गया इस ट्यूटोरियल में. एंड एज पर शेड्यूल जो टुमारो आपको ट्यूटोरियल मिलेगा उसमें रेस्ट ऑफ द ईयर्स दैट इज़ फ्रॉम 2011 to 2021 आपको हर अपडेट नॉलेज मिलती जाएगी. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड to share my channel with your colleagues, friends and batchmates, kindly share that. Thank you.